गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? ना हैबिट्स ऑफ ए गुड चिल्ड्रन। ये आपका जीके बुक का कहां पे है? ना पेज नंबर 5 पे है। ठीक है, जीके बुक का पेज नंबर 5 पे है। तो आप क्या सोच रहे हो, एक गुड स्टूडेंट का क्या क्या हैबिट होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से क्या है ना, उन्हें वेयरिंग नीट एंड क्लीन ड्रेस, हमेशा साफ ड्रेस पहनना चाहिए। जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब हैबिट्स, मतलब गुड स्टूडेंट का हैबिट क्या होता है, ना नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनते हैं हमेशा। और क्या करते हैं, केयरिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे सारे जो जानवर होते हैं और पेड होते हैं उनका केयर करते हैं, जैसे पेरेंट का केयर करते हो इसी टाइप का जानवर और पेड का भी हमको केयरिंग करना चाहिए। और क्या करना है, ओबे द पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब पेरेंट और टीचर, आज सपोज आपको होमवर्क दिया गया तो आज ही करना है तो इसको मानना चाहिए। और टीचर पेरेंट्स आपका फादर कुछ बोलेंगे, पानी दो मेरे को पीने के लिए, तो उस टाइम दे देना। तो ये सब क्या होता है ना, गुड चाइल्ड का हैबिट्स होते हैं। स्विचिंग ऑफ द फैंस वेयर नॉट इन यूज, जब मतलब कमरे में कोई नहीं रहेगा तो उसी टाइम हमको क्या करना चाहिए ना, जितना फैंस है लाइट्स है उसको सब क्या है बंद करना चाहिए। तो बंद कर दोगे तो क्या होगा ना, आपका जो बिजली करंट वो सब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ताकि दूसरे जगह में वो बिजली हम यूज कर सकते हैं, जैसे पानी उठाने के लिए यूज कर पाएंगे, हॉस्पिटल में मेडिकल हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे ना, पेशेंट्स जो आते हैं उनका ट्रीटमेंट में वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे यूज कर सकते हैं। सपोज हम ये कमरे में कोई नहीं है, हम क्या करेंगे ना, फैन लाइट चला देंगे, यहाँ पे सारे सारे जो बिजली है क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरा जगह जैसे मेडिकल में, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, इसके वजह से क्या होगा नो, जो पेशेंट गया होगा मेडिकल उसका डेथ हो जाएगा। तो जब हमारा जरूरत नहीं पड़ता है, स्कूल हो या ऑफिस कहाँ पे भी हो, तो जब जरूरत नहीं तभी हम क्या करना है, फैन और लाइट का स्विच हमेशा बंद करना चाहिए। उसके बाद टियरिंग द पेजेस फ्रॉम द बुक्स, नो, बुक का पेजेस क्या करना, टियरिंग नहीं करना चाहिए, उसको अच्छा से पेस्ट कर देना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है ना, क्रॉस करना है आपको, पांच हर क्या होगा ना, क्रॉस होगा। ठीक है, बुक का पेजेस फाड़ना नहीं चाहिए, बुक का पेजेस फाड़ दोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, पढ़ नहीं पाओगे, तो बुक का पेजेस ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद केयरिंग ऑफ द सिक फैमिली मेंबर्स, जो हाँ ये सब करना चाहिए, ये गुड स्टूडेंट का हैबिट होता है। जो सिक मतलब जो पेशेंट्स आपका घर पे हो या आपका अगल बगल मतलब पड़ोस में है, उनका केयर मतलब केयर करना चाहिए। उसके बाद कमिंग स्कूल ऑन टाइम डेली, एवरीडे क्या करना चाहिए ना, टाइम टू टाइम स्कूल आना चाहिए। सपोज आपका 7 बजे स्कूल है तो 7 बजे से पहले, ठीक है, तो पहले बंद जाना चाहिए ताकि 6:55 में आके पहुंच सकते हो। तो ये क्या होता है ना, गुड स्टूडेंट का हैबिट्स होता है। और जो बैड स्टूडेंट्स होंगे वो जब मन करेगा तभी आएंगे, 7 बजे स्कूल है वो कितने बजे आएंगे ना, 8 बजे आएंगे, वो सारे सारे गुड स्टूडेंट का हैबिट्स नहीं होता है। गुड स्टूडेंट का हैबिट क्या होता है ना, टाइम टू टाइम स्कूल आना। जब मतलब हमारा स्कूल का टाइम 7 AM है, मतलब हम क्या कब आएंगे ना, 7 AM से थोड़ा पहले आ जाएंगे, थोड़ा मतलब आधा घंटा नहीं, 5 मिनट 3 मिनट से पहले आप आ सकते हो, 10 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद एंटरिंग द हाउस विथ डर्टी शूज, नो, डर्टी शूज ये जो 8 है क्या होगा, 8 नंबर रंग है, 8 वाला क्या होगा ना, क्रॉस है। आप घर के अंदर क्या करोगे ना, डर्टी शूज में चले जाओगे ताकि क्या होगा, गंदा हो जाएगा कमरा। तो पहले जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, शूज को बाहर से ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद घर के अंदर एंट्री करेंगे। तो ये क्या होता है ना, बैड एक्टिविटी होता है डर्टी शूज में घर के अंदर जाना। उसके बाद ग्रीटिंग द एल्डर्स एंड स्कूल स्टाफ मेंबर्स, यस, ठीक है। कभी कभी जैसे आपका पार्टी मतलब बर्थडे पार्टी होगा, ये होगा, तो क्या करना है, आपका जो सीनियर्स होते हैं उनको इनवाइट करना चाहिए। तो ये सारे सारे आपका जो है 5 and 8 रॉन्ग है, स्विच ऑफ द फैन है नॉट इन यूज, तो ये सब क्या होते हैं, 5 और 8 क्या होते हैं ना, रॉन्ग होते हैं, और सारे सारे सही है। ठीक है, आप
ये सारे सारे एक्टिविटी फॉलो करना, गुड स्टूडेंट बनना है तो ये सारे सारे एक्टिविटी को फॉलो करना है, लेकिन 5 और 8 में जो दिया है उसको मत फॉलो करना। वो क्या होता है, बैड स्टूडेंट का एक्टिविटीज होते हैं। तो थैंक यू।